मेरी मौजूदगी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निवास स्थान कुरुक्षेत्र में है। वो अभी अपने घर के भीतर हैं और समर्थकों का जमावड़ा है, मीडिया यहां पर मौजूद है, जो इंतजार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद वो आएंगे, मीडिया से रूबरू होंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा के रुझान और नतीजे आ रहे हैं, उसने वाकई इतिहास रच दिया है। हैट्रिक बीजेपी ने हरियाणा में लगाई है, एग्जिट पोल के विपरीत नतीजे बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं हरियाणा में। किस तरीके से कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे थे एग्जिट पोल, लेकिन अब साफ होती जा रही है तस्वीर। बीजेपी एक बार फिर से जो है वो सरकार बनाएगी, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे, कह दिया गया है। और यहाँ पर समर्थक बेताब है एक झलक पाने के लिए उस तस्वीर के बाद जो हरियाणा में अब सियासी रूप से उभर रही है। नायब सिंह सैनी अब आगे आने वाले समय में सत्ता की कमान संभालेंगे और अब थोड़ी देर बाद वो यहाँ आएंगे अपने समर्थकों, अपने शुभ चिंतकों के बीच। वो अभी अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, रिजल्ट्स देख रहे हैं। दो चीजें हैं, लाडवा से वो उम्मीदवार हैं तो वहां पर भी नजर और है। ये चौथी सीट है उनकी, मतलब सीट बदल बदल कर वो चौथी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंचे हैं जहां से इस बार किस्मत आजमा रहे हैं। और वो भी जो नरेंद्र मोदी का कटआउट यहां पर नजर आ रहा है, समर्थक जो है वो अंदर जाने की किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट उस हॉल से बाहर आ रहा है जहां पर नायब सिंह सैनी अभी मौजूद हैं। नायब सिंह सैनी कहा जा रहा है किसी भी वक्त आएंगे, मीडिया से बात कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपका रुख करूंगी। विनेश फोगाट जो कि जीत दर्ज कर चुकी हैं जुलाना से, क्या कह रही है सुनिए। प्यार प्रेम दिया है उसको मैं हमेशा बना के रखूं, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूं। मैम आपकी पार्टी आपकी पिछड़ गई है, सरकार नहीं बन पा रही, इसके लेकर क्या कहेंगे? देखिए अभी वेट कीजिए थोड़ा सा, अभी सारे रिजल्ट नहीं निकल के आए हैं, एक एक सीट निकल के आ रही है। पहले हमारा भी पीछे चल रहा था लेकिन हम भी लीड में आए हैं, तो अभी रिजल्ट चल रहे हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ। जब सर्टिफिकेट हाथ में आएगा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। राजनीति में कंटिन्यू रखेंगे या खेल की तरफ भी देख सकते हैं? राजनीति में अगर आ गए तो कंटिन्यू इधर ही रखेंगे। लोगों ने प्यार प्रेम दिया है, उनके लिए काम भी करना पड़ेगा फील्ड में रह के। ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों चीजें कर सकते हैं। कांग्रेस नेता इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। विनेश, कांग्रेस नेता इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं, किसी को पूछने दो एक बार। शहर के अकेले की बात नहीं है, पूरे जुलाना विधानसभा के लोगों ने जो मेरे को प्यार प्रेम दिया है, जितनी उम्मीद से मुझे वोट किया, हर एक वोट को मैं चाहती हूँ कि हर एक वो वोटर खुश होना चाहिए जिन्होंने मेरे पे उम्मीद जताई है, तो वो कोशिश रहेगी हमारी। है जी, स्पोर्ट्स के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, जितना हो सकता है मैं स्पोर्ट्स के लिए करूँगी। और मैं एक फील्ड में सीमित नहीं रहना चाहती, हर फील्ड के लोगों ने, हर किसान का मेरे हैं चाहे नौजवान हैं, सभी ने मेरे को वोट दिया है, तो सभी की जो जिम्मेदारियां हैं वो मैं बखूबी निभाने की कोशिश करूंगा। सरकार बनेगी, खेल के लिए उसका क्या प्रार्थना करेंगे, आप क्या चाहेंगे? सर वो आगे का सवाल है। विनेश फोगाट के यहाँ पर नारे लगते हुए, और पहली बार जुलाना को एक महिला विधायक मिलने वाली है। संजय जी, अब तक जो तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है, हमें ठीक है शाम तक का इंतजार करना चाहिए, लेकिन जो चुनाव इलेक्शन ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से भी पता चल रहा है, लगभग यही सेटल होते हुए। और प्रेम शुक्ला भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी संजय जी 48 पर, कांग्रेस 37 पर, और वहां जम्मू कश्मीर में लगभग एनसी कांग्रेस की सरकार बनती हुई, क्या वजह आपको हरियाणा में इस वक्त दिखाई दे रही है? देखिए निश्चित रूप से आप देखें, अगर वोट प्रतिशत को, संजय जी बस महबूबा मुफ्ती कुछ कह रही है, पहले मैं सुनवा लेती हूँ फिर आपके पास। जो हमारे पीडीपी के जो हमारे लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, जिन्होंने हमें बहुत मुश्किल हालात के बावजूद वोट डाला, उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उनसे यही अपील करूँगी कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरह से लोगों ने वोट किया एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए, तो जो इसमें गड़बड़ करने का कोई चांस नहीं अब, क्योंकि लगता था कि अगर मैंडेट कुछ मिक्स्ड होगा, अगर एक तरफा मैंडेट नहीं होगा तो फिर उसमें बहुत सी शरारतें हो सकती थी, बहुत सारी उथल पुथल हो सकती थी, और कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोगों ने मैंडेट दिया है उसको डिफीट करने की बात हो सकती थी। इसलिए आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम, स्पेशली पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिन्होंने बहुत जो है सोच समझ के एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट दिया। कौन टू आस्क एनीथिंग प्लीज। 2014 में 28 थे जी जी, और 2024 में 3 जी जी। 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस 7 सीटें,
2014 में 16 सीटें, ये उतार चढ़ाव आता रहता है, इसमें क्या करेंगे आप? लोगों की विक्ट्री है, लोगों की चॉइस है, आपको लोगों की चॉइस जो उनकी मर्जी है उसकी कदर करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, जमहूरियत में तो यही होता रहता है। नहीं, मुझे लगता है कि लोग चाहते थे एक स्टेबल गवर्नमेंट और उनको लगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो हमें स्टेबल गवर्नमेंट दे सकती है और कहीं ना कहीं बीजेपी को दूर रख सकती है। मेरे ख्याल से ये सबसे खराब प्रदर्शन संजय जी रहा होगा जम्मू कश्मीर में, खासकर महबूबा मुफ्ती का, 4 सीटें और इनफैक्ट अभी जब वो सुना रही थी तो 3 सीटों का मामला चला। हाँ, बेटी भी नहीं सीट बचा। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रही है कि अगर आप तमाम चुनाव को देखें जब से पीडीपी अस्तित्व में आई है तब से सबसे खराब प्रदर्शन है पीडीपी का, क्योंकि बिल्कुल एक तरह से जनता ने मन बना लिया था कि वैली में तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, भले ही जम्मू रीजन में बीजेपी ने एक कड़ा टक्कर दिया, कड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन यहाँ पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया, तो निश्चित रूप से पीडीपी के लिए सबसे खराब प्रदर्शन है। और पंकज जी भी हमारे साथ हैं। पंकज जी, यहाँ पीडीपी को इस बात का नुकसान हुआ है कि उसने पिछली मर्तबा बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया था, या फिर एनसी कांग्रेस जो है वो एक पक्के और मजबूत दोनों पार्टियों के तौर पर वहाँ जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में नजर आए? दोनों ही बातें हैं। पीडीपी को भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन का नुकसान उठाना पड़ा है और इस बार जम्मू कश्मीर में जो माहौल था वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कई फैसलों के एकदम खिलाफ था, तो जम्मू क्षेत्र की बात छोड़ दीजिए लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर का माहौल जिस तरह का था उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जो बढ़त मिली है वो बहुत स्वाभाविक थी। लेकिन कांग्रेस ने कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन पंकज जी नहीं किया है, मतलब जितनी सीटों पर लड़े हो बमुश्किल मेरे ख्याल से 8-9 सीटें उसे आ रही है, ज्यादा जो सीटें हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते की। हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस की 40 के आसपास सीटें आ रही हैं और 9-10 सीटें कांग्रेस की आ रही हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन उस हिसाब से देखा जाए तो उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन चूंकि इंडिया समूह एक था तो उस लिहाज से आप देखें तो इनको एक स्पष्ट जनादेश है जम्मू कश्मीर। लेकिन पंकज जी यही ये ऐसा ही परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 70 पार 70 पार, ये हम सुन रहे थे जमुना पार बीजेपी को भेज, ये नारे हम कांग्रेस है। हरियाणा में जो बात बार बार कही जा रही थी कि इस बार एकदम सुपड़ा साफ कर देंगे, अब पता लगेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं और ये नायब सिंह सैनी को लाकर जो गलती की है वो सब पता लगेगा, पर ये तो सब उल्टा साबित हो रहा है। ना जाट पॉलिटिक्स काम कर पाई, ना दलित पॉलिटिक्स काम कर पाई, ना शैलजा जी काम आ पाई और ना ही भूपेंद्र हुड्डा। तो कांग्रेस के नेताओं की तो छोड़ दीजिए, चलिए वो तो चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ते समय इस तरह की बहुत सी बातें अगर कह रहे थे तो मैं उनको तो क्षमा करता हूँ, लेकिन उन सब पोलस्टर्स का क्या हुआ, उन सब चुनावी विश्लेषकों का क्या हुआ, उन सब पत्रकारों का क्या हुआ जो कांग्रेस को हरियाणा में एक तरफा जीतता हुआ दिखा रहे थे? तो मैं हैरत में ये हूँ कि जमीन पर कुछ और दिखाई देता है सभी को, किसी एक को नहीं, कि कोई चश्मा लगा के देख रहा है, कांग्रेस ही देख रहे थे चश्मा लगा के मान लिया, लेकिन बाकी आम जनता, पोलस्टर्स, सारे पत्रकार, जमीनी पत्रकार, जो स्थानीय पत्रकार हैं, वो कल तक ये ऐलान कर रहे थे कि कांग्रेस स्वीप कर रही है हरियाणा में। तो ये होता कैसे है कि जमीन पर कुछ और दिखाई देती है दशा और उसके बाद जिस दिन मतगणना होती है अचानक वो दशा बदल जाती है? ऐसा पहले कई दूसरे राज्यों में भी हो चुका है। ये भी तो हो सकता है कि जमीन पर जो है वो दिखाई ना दे रहे हो, ये पोलस्टर, ये यूट्यूबर, ये जितने भी जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं ये वही खेल करते हैं और इसी में गड़बड़ी हो जाती है। और मैं यहाँ तक नहीं सीमित हूँ, मैं तो कह रही हूँ 2024 में भी यही हुआ था और इसीलिए अब ये सवाल खड़े हो गए हैं कि आप जमीन पर जो दिख रहा है वो क्यों नहीं स्क्रीन पर आ पा रहा है या क्यों नहीं वो एग्जिट पोल्स में आ पा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर दे दूं, दोनों सीटों से उमर अब्दुल्ला जीत गए हैं, बड़गाम से भी जीत गए हैं और गांदरबल से भी उमर अब्दुल्ला जीत गए हैं। आज उनका दिन है, फारूक अब्दुल्ला बहुत प्रसन्न है और वो कह चुके हैं कि सीएम तो बेटा ही बनेगा। उमर अब्दुल्ला दोनों सीटों को जीतने के बाद अब और ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे होंगे। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, ये बताइए ना कि क्या हुआ, क्या है वहां हरियाणा में? 48 सीटें आप ला रहे, यानी 2014 से भी एक सीट अभी के लिहाज से ज्यादा है। ये जाट बनाम गैर जाट हो गया या ओवर कॉन्फिडेंट कांग्रेस का आपको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा गया?
देखिए सोरोस के चंदे पर पलने वाली जमात का जो दुष्प्रचार था उसके ऊपर चांटा है, लेकिन सुधरने वाले नहीं है। सोरोस के चंदे पर पलने वाले जमीन देखते ही नहीं है। उन्होंने इकोसिस्टम क्रिएट कर लिया, अपने ड्राइंग रूम में बैठकर तय कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। एक पिद्दी पत्रकारों का गिरोह सक्रिय हो गया और लगातार भाजपा की बुराइयां करने लगा। अरे भाई, भाजपा ने जिस तरह से 10 वर्षों में हरियाणा का कायाकल्प किया है, जिस तरह से किसान, जवान और पहलवान सबका हित साधा है, वो आपके राहुल गांधी के बंटवारे की राजनीति का शिकार नहीं होगा। कहाँ है राहुल गांधी आज? कहाँ मुंह छिपा के पड़े हुए हैं? आज जो राहुल गांधी के चीयर लीडर्स हैं, वो दोपहर होते होते रुदाली क्यों बन गए? रुदाली इसलिए बन गए कि वो झूठ बोल रहे थे, और लगातार झूठ का जो है, झूठ का मकान बहुत देर तक जो है टिकता नहीं है, और रेत के महल की तरह ढह जाता है। और ये आज पूरी देश ने सुबह सुबह 75 सीटों पर उनके रुझान दिखाने के बाद जिस तरह से जलेबियां छनी थी, उन जलेबियों की क्या हालत हुई जानती है? जिसको ये पता नहीं कि जलेबी जो है हलवाई बनाता है, फैक्ट्री में नहीं बनती है, वो व्यक्ति हरियाणा का कायाकल्प कर सकता नहीं, है। पर इस पर तो खूब चर्चा हो गई प्रेम शुक्ला जी कि फैक्ट्री में भी जलेबियां बनती है। उन्होंने तो बकायदा वीडियोस बनाए हैं कि हाँ, फैक्ट्रियां हैं जहां पर जलेबियां बनती है, पैक होती है। कांग्रेस के लोग जो है, कहीं नहीं बनती है, कहीं नहीं बनती है, और जलेबियां पैक भी नहीं होती है। 4-6 घंटे वाला है। देखिए दो ही चीजें आज चर्चा में, प्रेम शुक्ला जी, दो ही चीज है, एक तो जलेबी है और दूसरा